माय नेम इज मानसी भनोट। एग्जाम डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले वेटेज एक बार देख लीजिए कितनी जो है वेटेज रही। एंशंट इंडिया की बात करें तो कोई भी क्वेश्चन वहां से नहीं आया था, मेडिवल में से 2, मॉडर्न इंडिया में से 7। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न इंडिया की वेटेज अच्छी रही पेपर में। फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री में 3, बायो में 3। तो ऑलमोस्ट जो वेटेज है साइंस की वो सभी सब्जेक्ट्स में तीनों में जो है बराबर ही थी। आईटी सेक्टर कंप्यूटर साइंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा पेपर में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1, इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 2 क्वेश्चंस रहे। पॉलिटी देखिए 6 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। एंड ज्योग्राफी में से 2, इकोनॉमिक्स में 4, करंट अफेयर की अच्छी खासी इसमें वेटेज देखने को मिली 13 क्वेश्चंस। और जो मिसलेनियस जीके के आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन इसमें से रहे। सो ये ओवरऑल जो जीके के क्वेश्चंस उसमें थे, उसमें से आप अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग वेटेज यहाँ पे देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस जो हैं किस पैटर्न के बेसिस पर पेपर में आके मौजूद थे। ओके सो कितने स्टूडेंट्स ने आप में से ये एग्जाम दिया था, रिजल्ट अवेटेड। अब देख सकते हैं हमारा स्मार्ट प्रेप कोर्स जो है 999 रुपीज़ में आप CGL 2018 का ज्वाइन कर सकते हैं स्मार्ट प्रेप के नाम से। और इसके अलावा वीडियोस, PDF, स्मार्ट टेस्ट सब जो है इसके साथ आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा 299 का जो CPO के पेपर पर बेस्ड है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये नीचे जो आपको नंबर्स प्रोवाइडेड हैं इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। फर्दर जो भी आपको असिस्टेंस इसके रिगार्डिंग चाहिए आप यहाँ पे सब कुछ जो है जान सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए ये आपके जो एग्जाम के क्वेश्चंस है पूरा आज पेपर जो है डिस्कस करेंगे जीके के पर्सपेक्टिव से। ओके सभी को जो है पैटर्न पता है, 4 आपका जो मेजर पार्ट्स में आपका जो पेपर था वो डिवाइडेड था। जनरल रीजनिंग थी, जनरल नॉलेज था, एप्टीट्यूड का पार्ट था एंड आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन था। तो आज यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ जीके का पार्ट होगा। ओके आपके एग्जाम के जो जीके के क्वेश्चंस है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके सो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है ये देखिए। ओके फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इनॉग्रल सेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो इनॉग्रल सेशन है वो कब जो है शुरू किया गया, इसका उद्घाटन स्तर आपको बताना है कब हुआ। तो ये कब जो है इसको फर्स्ट प्रोसीडिंग जिसकी की गई दैट इज 28 जनवरी 1950। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। 28 जनवरी 1950 को जो पहला सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट प्रोसीडिंग है उसको स्टार्ट किया गया। ओरिजिनली अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बताया गया है उसमें है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 7 जजेस। तो ये जो है ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और इसमें स्पेशली ये मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट द्वारा इनकी संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उसमें चीफ जस्टिस प्लस 7 जजेस के बारे में दिया गया है। हु वॉज द इकोनॉमिस्ट हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल। तो ये आपको बताना है स्मॉल इज ब्यूटिफुल ये किसके द्वारा लिखा गया, कार्ल मार्क्स, डेविड रिकार्डो, ई एफ शुमाकर, अमर्त्या सेन। तो किसके द्वारा स्मॉल इज ब्यूटिफुल ये जो है बुक लिखी गई, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, ये बुक की रचना की गई है ई एफ शुमाकर द्वारा ये बुक जो है लिखी गई है। देखिए बिगर इज बेटर तो बहुत लोग बोलते हैं लेकिन स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये जो है अपने आप में बहुत अच्छी चीज थी। जब 1973 में इन्होंने इसकी बुक की फर्स्ट पब्लिकेशन जब की तब बहुत लोगों ने इसको सराहा और ये बहुत जो है फेमस हुई। ये देखिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं एक अंडे के बीच में जो है पूरा ग्लोब इसमें दर्शाया है। नासा लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सैटेलाइट कमल सेट, आपको ये बताना है 22 जनवरी 2017 को। तो ये आपको बताना है 18 साल पुरानी जो है और इसकी टीम जो है तमिलनाडु से। आपको ये ऑप्शन यहाँ पे देखना है क्या है, किसके द्वारा जो है 18 साल का ये डिवाइस किया गया है। हाँ जी आंसर देने की सभी जो है कोशिश जरूर कीजिएगा, जो भी अभी जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। देखिए नासा ने जो लॉन्च किया है स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट सैटेलाइट
कमाल सेट, ये आपको बताना है डिवाइस की गई है 18 साल ओल्ड किसके द्वारा। तो ये जो है की गई है रिफाद शाहरुख के द्वारा, जो है इसको लॉन्च किया गया है। कलाम सेट एक्चुअली ये जो सैटेलाइट का नाम है हमारे इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर जो है रखा गया है। इंडियन हाई स्कूल के बच्चों की ये टीम है जिन्होंने ये जो सिस्टम है ये डिवाइस किया है। ये आप देख सकते हैं इनकी पूरी टीम। चिपको मूवमेंट आपको बताना है किसके साथ जो है संबंधित है। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के साथ, अफॉरेस्टेशन के साथ, पेड़ों को गिरने की रोकथाम करने के लिए, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो चिपको मूवमेंट आपको बताना है इनमें से किसके साथ संबंधित है। तो चिपको मूवमेंट किसके साथ संबंधित है, अफॉरेस्टेशन के साथ संबंधित है। देखिए सुंदरलाल बाहुगुना ये जो है एक बहुत नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट हैं। चिपको मूवमेंट जिनके द्वारा इनिशिएट की गई 1927 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन के लिए लगाई, और इनकी जो 90वीं बर्थ एनिवर्सरी है वो हिमालयस की प्रिजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड मानी जाती है। बाहुगुना को इन्होंने चिपको मूवमेंट से जुड़ा एक स्लोगन भी दिया था कि इकोलॉजी, कई बार जैसे स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है कि किसकी कौन सी स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दी गई, तो ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई थी कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट भी इनके द्वारा दी गई थी। तो अफॉरेस्टेशन इसका करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कौन फहराता है, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, किसके द्वारा जो है रेड फोर्ट पर नेशनल फ्लैग जो है वो फहराया जाता है, वो आपको बताना है। तो किसके द्वारा किया जाता है, देखिए ये किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, आंसर इज सी। कैनिस ल्यूपस ये आपको बताना है इसको कॉमनली क्या कहा जाता है। देखिए टर्म जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन जब नाम होता है तो बहुत आसान सा होता है। क्या है कैनिस ल्यूपस, क्या है ये, ग्रे वुल्फ को कहा जाता है, टिम्बर वुल्फ भी इसको बोलते हैं, टिम्बर वुल्फ भी कहा जाता है इसको, और क्या कहा जाता है इसको, टुंड्रा वुल्फ के नाम से भी इसको जाना जाता है, ग्रे वुल्फ को, यूरेशिया। और देखिए टुंड्रा वर्ड से आप देख सकते होंगे इसको, टुंड्रा यानी जो ठंडा इलाका है यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका का, वहां पे ये पाई जाती है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों ने डैश में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी थी। किस वर्ष में आपको ये बताना है कि कैलकटा से दिल्ली जो है ट्रांसफर की गई थी कैपिटल, 1911, 1924, 1921, 1913, तो कब जो है कैलकटा से दिल्ली जो है कैपिटल ट्रांसफर की गई, कब की गई थी, देखिए ये कैपिटल ट्रांसफर की गई थी 1911 में। देखिए कैलकटा जो है कब से कब तक कैपिटल रही वो भी आपको इसमें पता होना चाहिए। ये कैपिटल बहुत टाइम पीरियड तक रही, जब ब्रिटिशर्स जो है अपना जो सत्ता उन्होंने बनाई तो लगभग 200 साल तक तो कैलकटा ही राजधानी रहा था ब्रिटिश काल में, उसके बाद दिल्ली को 1911 में राजधानी बनाया गया था। डैश ऑफ केन्या वन द मुंबई मैराथन, तो किसके किस व्यक्ति द्वारा मुंबई मैराथन जीती गई जो कि केन्या के थे, किसके द्वारा ये जीती गई थी, कॉस्मोस लागट द्वारा ये जीती गई थी। करंसी प्रिंटिंग जो होती है प्रेस ऑफ इंडिया की वो कहाँ पर स्थित नहीं है, तो देखिए करंसी प्रिंटिंग जो होती है वो मुख्य रूप से चार जगह पर होती है। ओके आपको इसमें से देखनी है कौन सी जगह जो है ये प्रिंटिंग नोटों की नहीं होती, कहाँ पे नहीं होती, देखिए यहाँ पे देवास, कोची, मैसूर, सलबोनी, तो कहाँ पे नहीं होती वो आपको इसमें मार्क करना है, वो है कोची। कोची में करंसी प्रिंटिंग नहीं की जाती। अभी मैंने बात की कि चार जगह जो है प्रिंटिंग की जाती है, वो चारों एरियाज कौन कौन से हैं, एक तो नासिक में होती है, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, दूसरी जगह है आप देख सकते हैं देवास है, सालबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है,
ओके एंड मैसूर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कहाँ कहाँ जो है प्रिंटिंग होती है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटका में, तो आपको ये एरिया पता होना चाहिए। देवास कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। सो ये चार जगह है जहाँ पे प्रिंटिंग जो है की जाती है। कोची में किसी भी तरीके की करेंसी प्रिंटिंग नहीं चलाई जाती, तो वो गलत ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं चारों की, देवास जो है मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर जो है ये कर्नाटका में, और सलबोनी जो है वेस्ट बंगाल में। तो चार जगह जो है टोटल यहाँ पे प्रिंटिंग की जाती है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भारत का आपको बताना है, इसका निर्माण जो है कहाँ पर किया जा रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल। तो कहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है? देखिए अभी की अगर बात की जाए तो मेलबोर्न जो है ये सबसे बड़ा है। मेलबोर्न कहाँ पे है? मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम जो है ये सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड का। और टोटल कैपेसिटी की बात की जाए, कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? कोलकाता एडन गार्डन नंबर टू पर आ रहा है वो कैपेसिटी वाइज, ठीक है। तो अब जो सबसे बड़ा बनने जा रहा है वो है अहमदाबाद गुजरात में, ओके। वो जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, लार्जर देन मेलबोर्न। तो वो भी आपको इसमें ध्यान रखना है, मेलबोर्न से भी बड़ा होगा वो। ये आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर। अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन के बाद नई दिल्ली से कौन सा ऐसा है जो कि होस्टिंग दोबारा एशियन गेम्स की कर रहा है? ये आपको देखना है, 7th, 9th, 8th, 11th। फर्स्ट एडिशन भी मतलब यहाँ एशियन गेम्स का हुआ, उसके बाद और कौन सा एडिशन जो है एशियन गेम्स का नई दिल्ली में होस्ट किया गया? 7th, 9th, 8th या फिर 11th? तो वो है 9th एशियन गेम्स जो है वो भी यहाँ पे हुए। तो कौन सी डेट है? नवंबर 1982 से लेकर 4 दिसंबर 1982 को दिए हुए थे, ओके। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, दो बार यहाँ पे हुआ। और किसी कंट्री में जहाँ पे दो बार हुआ है? बैंकॉक में भी जो है मल्टीपल टाइम होस्टिंग की गई है। देवधर ट्रॉफी आपको बतानी है, देवधर ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी। तो किस गेम के साथ ये एसोसिएटेड है ये आपको बताना है, किस गेम के साथ ये एसोसिएटेड है? देखिए दियोदर ट्रॉफी जो है ये इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए जो है दी जाती है, और ये प्रोफेसर डी बी दियोदर जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट जिनको कहा जाता है उनके नाम पर जो है ये ट्रॉफी दी जाती है। तीन नेशनल लेवल की टीम्स होती है, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी भी कह सकते हैं। तो ये तीनों जो टीम्स होती हैं इनमें से जो जीतता है उस टीम को ये दी जाती है। और इस बार जो है लिस्ट ए जो है इसमें से जीती थी, टीम ए, इंडिया ए जिसको बोलते हैं, इंडिया बी को हरा के 29 रनों से वो जीती थी। तो ये दी जाती है क्रिकेट के लिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। गुरु डैश इज नोन एज द कॉबलर सेंट, कौन से गुरु को जो है कॉबलर सेंट कहा जाता है? रविदास, नरहरि, जीवा गोस्वामी, अय्या वैकुंदर। तो किनको जो है कॉबलर सेंट के नाम भी कहा जाता है, कौन से ऐसे गुरु हैं? तो वो है गुरु रविदास। गुरु रविदास जो है ये 15th century में इनका जो है जन्म हुआ, ओके। और ये लेदर मेकिंग फैमिली में इनका जन्म हुआ है। तो हिंदू फैमिलीज में जो अगर कैटेगरी वाइज बात की जाए, चार जो ग्रुपिज्म है उसमें शूद्र कैटेगरी में ही आते हैं, तो लोएस्ट लेवल जो हिंदू सोसाइटी का उस समय में माना जाता था तो उसमें थे, तो इसलिए इनको कॉबलर सेंट भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको बताना है इनमें से कौन है? सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भामा, एपीजे अब्दुल कलाम। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको बताना है इनमें से किसको कहा जाता है? होमी जहांगीर भामा को कहा जाता है। फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं फिजिक्स के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, तो
इनको जो है होमी जहांगीर भामा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। नेहरू लियाकत पैक्ट, ये आपको बताना है किस वर्ष इसको हस्ताक्षर इस पे किए गए, 1947, 1949, 1948, 1950। देखिए, ये नेहरू लियाकत पैक्ट जो है ये एक ट्रीटी साइन की गई थी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के बीच में अप्रैल 8, 1950 को ये ट्रीटी जो है साइन की गई थी। ये ट्रीटी जो है ये 6 दिन की चली वार्तालाप के बाद जो है साइन की गई थी कि किस तरह से मिनोरिटी ग्रुप्स को जो है राइट्स प्रदान किए जाएं। जब पार्टीशन हुआ था दोनों कंट्रीज का, उस दौरान कितना वॉर के बाद जो क्षतिग्रस्त लोग हुए थे उनके लिए किस तरह से जो है प्रावधान रखे जाए, उसके लिए ये ट्रीटी जो है साइन की गई थी। इस ट्रीटी को 1950 जो है इसका करेक्ट आंसर है, 1950। द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी वॉज इन ईयर, आपको बताना है किस साल ये किया गया था, व्हेन ही अटैक्ड मुल्तान। तो फर्स्ट इन्वेजन आपको बताना है, पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी द्वारा किस वर्ष में मुल्तान में किया गया था, पहला अटैक। तो मोहम्मद गौरी क्या है, बहुत ही एम्बिशियस लीडर थे अपने समय के ये, और इन्होंने मुल्तान के अलावा और भी काफी जगह का जो है इन्होंने अटैक किया था, हमला किया था। दूसरी जगह कौन सी थी, सिंध, मुल्तान और सिंध, दो जगह का इन्होंने आक्रमण किया था। और ये टाइम पीरियड था 1175 से लेकर 1178 तक का टाइम पीरियड, जिसके बीच में जो है इन्होंने ये आक्रमण किए थे। तो आंसर है आपका 1175 AD, ये इसका करेक्ट आंसर है। मोहम्मद गौरी जो है मुल्तान पे अटैक किया, उसके बाद जो इस्लामी हेरेटिक्स थे वहां पे कैप्चर इन्होंने पूरा, उसके बाद मुल्तान कैप्चर किया। Which of the following is not a popular gharana styles of Hindustani classical music? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है वो उसकी कैटेगरी में कौन सा स्टाइल नहीं आता, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना, राजवाड़ी घराना या फिर मेवाती घराना, कौन सा जो है पॉपुलर घराना स्टाइल जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का उसकी कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता, वो है रजवाड़ी घराना। रजवाड़ी घराना जो है वो पॉपुलर घराना की कैटेगरी में नहीं है। Who said the following words? ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं, सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दी है। ये आपको शब्द बताने हैं किसके द्वारा कहे गए हैं, ये शब्द कहे गए हैं महात्मा गांधी के द्वारा। शिवाजीज सन फ्रॉम साईबाई, आपको बताना है कौन से इनका नाम क्या है, सांभाजी, बाजीराव, शाहजी, शाहू, तो इनका नाम आपको बताना है क्या है। देखिए, सांभाजी जो हैं ये सेकंड रूलर रहे हैं मराठा किंगडम के शिवाजी के बाद। देखिए, शिवाजी जो हैं इनके बाद इनके जो सबसे बड़े सुपुत्र जो कि साईबाई से जिनका जन्म हुआ है वो है सांभाजी, जो कि इनकी फर्स्ट पत्नी, ये फर्स्ट पत्नी है शिवाजी की, इनके द्वारा सांभाजी का जो है जन्म हुआ, तो ये जो है सेकंड रूलर बने मराठा एम्पायर के। किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो क्वोरम है वो डिसाइड किया जाता है हाउस के में कि 1/10 जो है टोटल मेंबर ऑफ वोट्स के लिए, वो आपको बताना है भारत के किस संविधान के कौन सा अनुच्छेद है उसके अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 है, ये आपको इसमें से बताना है। किस आर्टिकल के तहत ये किया जाता है, आर्टिकल नंबर 100। द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये बुक आपको बतानी है किसके द्वारा ये बुक जो है लिखी गई, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन या फिर बिल गेट्स, ये आपको बतानी है बुक जो है ऑडेसिटी ऑफ होप, ये बुक जो है इसकी रचना इनमें से किस व्यक्तियों द्वारा की गई, तो ये बुक की रचना की गई है बराक ओबामा के। After 1994, how many sessions of the Rajya Sabha are usually held in a year?
तो अगर राज्यसभा की बात की जाए, कितने सेशंस हैं जो कि साल में होते हैं, 4, 2, 3 या फिर 6, कितने सेशंस होते हैं? देखिए, दो हमारे सदन हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि हर साल अलग अलग लॉज, मल्टीपल बिल्स की रचना के लिए, पेंडिंग अप्रूवल्स के लिए जो है मीटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं। कौन कौन से सेशन होते हैं? एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन और एक होता है विंटर सेशन। मुख्य रूप से ये सेशंस होते हैं, तो ये तीन तीन जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन से अडल्ट्स हैं जिनकी नेशनल एनुअल इनकम जो है किससे किसके बीच में हो ताकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा ले सके, लोन ले सके इसके बिहाफ पे? कितनी तनख्वाह, कितनी सैलरी उनकी सालाना जो है होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? वो 6 से 18 लाख के बीच में। अगर इनकम जो है 6 to 18 lakhs के बीच में है तो वो हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम है 2022 के लिए, उसके तहत ये जो स्कीम है ये प्रोवाइडेड है। निम्न में से कौन सा जीव ऐसा है जो अपना शिकार पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करता है? चमगादड़, बिल्ली, बाज या फिर कुत्ते? तो कौन से जो है अल्ट्रासोनिक साउंड्स का इस्तेमाल इसमें से करते हैं वो आपको बताना है। अल्ट्रासोनिक साउंड्स का इस्तेमाल इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? वो है चमगादड़ के द्वारा। देखिए, चमगादड़ जो है एक ये प्रोसेस होता है इकोलोकेशन का, ये करते हैं। क्या होता है? एडवांस नेविगेशन सिस्टम है इनके पास, जो कि अल्ट्रासोनिक हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स जो है ये पास कर सकते हैं। इतनी अल्ट्रा जो फ्रिक्वेंसी होती है जो कि ह्यूमन ईयर डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि 20 से लेकर 100 किलो हर्ट्ज की ये फ्रिक्वेंसी होती है। इतनी हाई फ्रिक्वेंसी ह्यूमन ईयर को नेचुरली नहीं सुनाई देती, जिससे कि ये अपने शिकार को पकड़ने में इनको सहायता होती है इस तरह से। At what temperature does iron melt? Iron किस तापमान पे जो है पिघलती है? बहुत ही factual question है, ऐसे question जो है exam में अगर आ जाते हैं तो एकदम जो है answer कभी भी click नहीं होता। Okay? So ये melting, इस तरह के question अगर आपको वैसे ही आप tick करके आ रहे हैं तो ये negative marking को न्योता देने वाली बात हो जाती है। तो melting point of iron जो है कितना है exactly देखा जाए 2800 degree Fahrenheit होता है, दैट इज 1538 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में भी, डिग्री सेल्सियस में भी, दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, दोनों को आप जो है ध्यान में जरूर रखिएगा। आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दैट टू वेरी क्लोज। देखिए, आप ऑप्शंस देख सकते हैं, बहुत ही क्लोज हैं। यहाँ 38 है, यहाँ भी 38 है, यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ 83 है, यहाँ 83 है, यहाँ 38 है। तो ऑप्शंस जो है बहुत ही क्लोज आ रहे हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस के, जिनका जो है जरा सा भी इधर उधर ऑप्शन हुआ उनकी नेगेटिव मार्किंग जो है हो जाती है। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखने होते हैं इस तरह के क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में। विच इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया? देखिए, थोड़े दिन पहले की बात है, ये क्वेश्चन तो अभी हमने पिछले कपल ऑफ क्लासेस पहले ही करवाया ही था, है ना। इंडिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, 7वीं लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड कौन सी है? कौन सी है? देखिए, दैट इज इंडिया। सबसे बड़ी कौन सी कंट्री है? सबसे बड़ी है रशिया। दूसरे नंबर पे कौन सी है? कैनेडा। एरिया वाइज बात हो रही है यहाँ पे। तीसरे नंबर पे आती है यूएसए, फिर आता है चाइना, देन ब्राजील, उसके बाद आता है 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे आता है इंडिया। लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हाल ही में अभी आपको ये करवाया था, और देख सकते हैं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। द पीएच ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको बताना है कितना होता है। तो देखिए, वैसे ही 7 होता है। जैसे ही तापमान आप कम करते हैं, टेम्परेचर जैसे ही आप नीचे लेके आते हैं, क्या होता है? पीएच जो है, टेम्परेचर जब आप कम करेंगे पीएच बढ़ता है। और अगर आप कंपेयर करें 25 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, तो कितना जो है वेरिएशन इस पर आता है? 25 डिग्री पे 7 होता है, धीरे धीरे पीएच जो है बढ़ता है।
इस तरह से 0 डिग्री तक आता है, 7.47 पर ये आ जाता है। तो इस तरह से पीएच जो है इसका वेरी करता है, आप देख सकते हैं 25 पे 7, फिर 7.08, 7.25, देन 7.47, इस तरह से पीएच जो है वेरी करता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में पूछा गया था, दैट इज 7, यानी पानी जो होता है दैट इज न्यूट्रल। आप देख सकते हैं अलग अलग चीजों की कितनी एसिडिटी होती है, कितना जो है न्यूट्रल है, कितनी चीजें जो है बेसिक हैं। ब्लीच, हैंड सोप्स, ह्यूमन ब्लड, प्योर वाटर, ह्यूमन यूरिन, टमाटो जूस, गैस्ट्रिक जूसेस, तो आप सबका इनका पीएच जो है देख सकते हैं कितना जो है किसका पीएच इसमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कैप्रा एगाग्रस हिरकस, ये आपको बताना है इसको कॉमनली क्या कहा जाता है। कॉमनली इसको क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक गोट, बकरी, बकरी को सिंपली जो गोट बोलते हैं इसको, ये सामान्य रूप से इसको गोट कहा जाता है। हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 में, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में किसके द्वारा जो है स्थापित की गई, सैयद अहमद खान, एनी बेसेंट, राजा राममोहन रॉय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, किसके द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया, किसके द्वारा देखिए स्थापित किया गया इसको 1905 में, तो ये स्थापित की गई है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, पुणे महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया था 12 जून को। देखिए उससे पहले जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये चला रहे थे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, उसको जो है उसके बाद इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है शुरुआत की। इनके साथ और भी जो है एजुकेटेड क्लास इंडियन के लोग थे, जैसे कि कृष्ण दियोदर हैं, नतेश अप्पाजी द्रविड़ हैं, अनंत पटवर्धन है, सभी जो हैं सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो इन्होंने मिलके जो है इस सोसाइटी का जो है गठन किया, ताकि एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, जितने भी सोशल इवल्स हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी उस दौरान बहुत ही, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, और गरीबी है, विमेंस को जो ऑप्रेस किया जाता था, डोमेस्टिक अब्यूजेज होते थे, सभी के जो खिलाफ है इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स इसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराए गए। तो किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1905 में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। इंडिया होल्ड्स द डैश पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ काउज मिल्क एज ऑफ जनवरी 2018। इंडिया की पोजीशन आपको बतानी है गाय के दूध के उत्पादन के अकॉर्डिंग जनवरी 2018 में कितनी रही, पहला, चौथा, तीसरा या दूसरा स्थान, कौन सा स्थान इंडिया का रहा। तो कितना स्थान रहा, देखिए सारी पोजीशनिंग आपको बता देती हूँ। पहले स्थान पर रहा यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। मैट्रिक टन्स की अगर बात करें तो 91.3 मैट्रिक टन्स दूध का उत्पाद यूएसए द्वारा किया गया काउ मिल्क का। दूसरे स्थान पर इंडिया रहा, तो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया जो है दूसरे स्थान पर रहा 60.6 मैट्रिक टन्स मिल्क का उत्पाद। तीसरे स्थान पर रहा चाइना 35.7 मेट्रिक टन्स के साथ, और चौथे स्थान पर रहा ब्राजील 34.3 मेट्रिक टन्स के साथ। नवल केलकर, केलवर आपको ये बताना है ये रिचुअल जो है कहां पर, किस मंदिर में जो है किया जाता है, शिर्डी, सबरीमाला, तिरुपति, जगन्नाथपुरी, ये आपको बताना है ये रिचुअल जो है, ये अनुष्ठान जो है इसको कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। देखिए ये बहुत ही प्राचीन जो है रिचुअल है, जो कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में ये परफॉर्म किया जाता है। सुनीता विलियम्स जो कि एक रिनाउंड एस्ट्रोनॉट है इंडियन ओरिजिन की, आपको बताना है कितना रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया स्पेस में रहने का, कितने दिनों का रिकॉर्ड जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया, 150 दिनों का, 195 डेज का, 200 डेज का, 175 डेज का। तो कितने दिनों का जो है इनका रिकॉर्ड जो है स्थापित किया गया, 195 डेज का जो है रिकॉर्ड इनके द्वारा स्थापित किया गया, और ये जो है फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने 50 घंटे 40 मिनट की वॉक की थी।
स्पेस वॉक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले इनको 2012 के एक्सपेडिशन में भेजा गया, उसके बाद इनको 2012 में 32वें एक्सपेडिशन में भेजा गया, फिर 33वें एक्सपेडिशन में भी दोबारा इनको भेजा गया। डैश वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 1950 टू नवंबर 1951, तो ये आपको बताना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से व्यक्ति इनमें से रहे, कौन से थे, देखिए जस्टिस हरिलाल जैकिसन दास कन्हैया, तो ये जो है बी इसका करेक्ट आंसर है। कैलकटा बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कब जो है कैलकटा ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बना, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया, कब जो है कैपिटल स्थापित किया गया इसको। देखिए अभी एक क्वेश्चन और था कि कब जो है दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, वो था 1911 में, और कैलकटा कब कैपिटल बनाया गया था, कैलकटा को कैपिटल बनाया गया था 1772 में। 1772 से लेकर 1911 तक आप देख सकते हैं इतने साल जो है कैलकटा ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनकर रहा। ओके सो उसके बाद 1912 से लेकर कौन सा रहा, 1947 तक दिल्ली, उसके बाद दिल्ली तो फॉरएवर अभी तक है ही हमारा कैपिटल, और उसके बाद जो है 1912 ऑनवर्ड्स कैलकटा किसकी कैपिटल बना, बंगाल की। 1947 के बाद कैलकटा बना वेस्ट बंगाल की कैपिटल, तो आप देख सकते हैं एक ही जगह को कितनी जगह की कैपिटल जो है बनाया गया। इंडिया की एस शटलर एंड रियो ओलंपिक्स सिल्वर मेडलिस्ट आपको बतानी है, जिनकी फोर्ब्स लिस्ट 2018 में 7वीं रैंक है, एंड ये जो है 7th रैंक पे किससे है, हाईएस्ट अर्निंग वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन इन द वर्ल्ड, तो आप देख सकते हैं कौन सी ये महिला है। तो ये जो स्टाइलिश शटलर हैं, इन्होंने जो है नेशनल कॉन्शियसनेस का जो है रिकॉर्ड जो तोड़ा, सिल्वर मेडल जब इन्होंने हासिल किया रियो ओलंपिक्स 2016 में, जब इन्होंने ये खिताब जीता तब जो है इन्होंने बिल्कुल जो सारी दुनिया को एक सेटबैक दे दिया था। पीवी सिंधु इनका नाम है, अगर आप इनकी अर्निंग की बात करें तो ये 8.5 मिलियन डॉलर्स की इनकी जो है अर्निंग्स, तो इसके साथ ये 7वें नंबर पर इनकी फोर्ब्स 2018 की रैंक में इनका नाम आता है। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, और उपलब्धि नहीं है एक्चुअली, ये इनकी मेहनत है जो इतनी ये आगे आए। नेम द लॉन्ग हेयर्ड मैमल फाउंड थ्रू आउट द हिमालयन रीजन, हिमालयन क्षेत्र में पाए जाने वाले लॉन्ग हेयर्ड लंबे बालों वाले मैमल का आपको बताना है कौन से हैं, बैल बाइसन याक बछिया, कौन सा जो है लॉन्ग हेयर्ड मैमल यहां पाया जाता है, दैट इज डोमेस्टिक याक। तिब्बतन प्लेटू है, मंगोलिया का रीजन है, रशिया का रीजन है, सब जगह जो ये पाया जाता है, वाइल्ड याक डोमेस्टिक याक सभी तरह का इस तरह का। द डांस फॉर्म डांडिया ये किसका जो है प्राय इसका बताना है, सिनोनिमस इसका बताना है, कौन सा है, बीहू नवरात्रि ओनम गणेश चतुर्थी, तो डांडिया का आपको सिनोनिम बताना है, वेरी इजी क्वेश्चन, नवरात्रि जो है इसका करेक्ट आंसर है। द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेजिडेंट की मिनिमम एज यहाँ पे आपको पूछी गई है, तो क्या है वाइस प्रेजिडेंट की मिनिमम एज, 35 ईयर्स ऑफ एज होती है वाइस प्रेजिडेंट की मिनिमम एज। ओके प्रेजिडेंट की कितनी होती है, प्रेजिडेंट की भी 35 ईयर्स होती है, वाइस प्रेजिडेंट की भी 35 ईयर्स ही होती है, और गवर्नर की पोजीशन के लिए कितनी होती है, गवर्नर की पोस्ट के लिए भी 35 ईयर्स की एज ही होती है, तो तीनों कैटेगरी में बी इट वाइस प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट या फिर गवर्नर, तीनों के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है। अगर एमपी की बात की जाए, एमपी की अगर बात की जाए लोकसभा, तो 25 वर्ष की आयु चाहिए, एमएलए के लिए मिनिमम एज क्या है, 25 वर्ष ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए, तो सभी आपको पता होना चाहिए किसके लिए कितनी जो है मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो वाइस प्रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई गए हैं,
अभी कौन नियुक्त किया गया है, ये अभी हमारे इनकम्बेंट हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद अंसारी जी, इनको जो है 2 बार जो है लगातार पोजीशन ये दी गई वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेगा पटेरा नोवेलेंगली, ये आपको बताना है इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, अफ्रीकन वाइल्ड कैट, बम्बल बी, ट्री फ्रॉग, हमबैक वेल, तो इसको क्या कहा जाता है कॉमन भाषा में, ये है हमबैक वेल। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़े से पेचीदा हो जाते हैं अटेम्प्ट करने, अगर बहुत आप श्योर हैं तभी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज जो है वही सेम बात मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है हमबैक वेल। नेम द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स, इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स के आपको जनक यानी फादर का नाम इसमें बताना है, नरेंद्र मोदी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा। तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको बताना है कौन सा है। देखिए हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इनका पूरा जो पॉलिटिकल करियर है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जब ब्रिटिश राज था उससे जो है शेप होना शुरू हुआ था, बहुत अर्ली टाइम पीरियड से जो है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सभी के साथ जो है ये एसोसिएटेड रहे हैं और उन्हीं के साथ उनकी फैमिली के साथ लॉयल्टी का ही ये नतीजा रहा है कि इनको प्राइम मिनिस्टर जो है नियुक्त किया गया राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद 1991 में, और ये पोजीशन इन्होंने 1996 तक जो है ये पोजीशन होल्ड करके रखी। ध्वनि जो है किस माध्यम से ट्रेवल नहीं कर सकती, तो देखिए वैक्यूम, सॉइल, वाटर, फायर। साउंड को हमेशा कोई मटेरियल, कोई मीडियम जो है चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, अनलाइक लाइट, लाइट को किसी भी तरीके की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, लेकिन साउंड को हमेशा एक मटेरियल चाहिए होता है, यानी कि वैक्यूम से साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड सबसे तेजी से किस में जाएगी, सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड्स में, और सबसे कम स्पीड साउंड की कहाँ होगी, गैसेज में। तो ये साउंड का पैटर्न होता है, यानी कि अगर आपको ऑप्शन हो स्टील, तो स्टील में साउंड की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। अगर एयर, वाटर, इस तरह के ऑप्शंस आपके पास वहाँ पे क्वेश्चन में दिए जाते हैं, स्टील है, मेटल है, इसमें जो है स्टील साउंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, और वैक्यूम में साउंड की स्पीड नहीं होती। यानी कि अगर आप मून पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप एक दूसरे को अगर कोई बात कहेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगी। तो आप ये देख सकते हैं कोई मीडियम चाहिए होता है, वेव्स हैं जो कि किसी चीज़ से ही प्रोपगेट कर सकते हैं। जनवरी 2019 में नासा ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा जो थर्ड स्मॉलेस्ट एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया, जिसका नाम है HD21749b, ये आपको बताना है कॉन्स्टेलेशन कौन सा है, रेटिक्यूलम, ल्यूपस, एंटीलिया, लेकरेटा, तो ये आपको बताना है इसका नाम क्या है। ये जो है ये ऑरेंज कलर का मेन सीक्वेंस स्टार है, आंसर है रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम जो है इसका करेक्ट आंसर है। '27 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत इनमें से किस व्यक्ति द्वारा की गई, मेधा पाटकर, भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। 1927 में टेंपल एंट्री मूवमेंट किसके द्वारा की गई, देखिए 1927 से लेके 1935 तक बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स जो है करी गई, 3 बार ये मूवमेंट जो है चलाई गई, तब जाके जो है टेंपल राइट्स दिए गए। तो देखिए पुराने जमाने में जो कास्ट प्रेजुडिस था इसके लिए ये एक्सपीरियंस करते आ रहे थे भीमराव अंबेडकर, उसके बाद क्योंकि ये जो है महर फैमिली को बिलोंग करते थे तो उसके बाद इनको ये आंदोलन जो है बहुत अनिवार्य लगा, क्योंकि ये इस सभी चीज़ों से जो थे बिल्कुल ही नाखुश थे। वहीं नहीं, बहुत सारे एजुकेटेड क्लास को ये लगता था कि जो 4 सिस्टम हैं सोसाइटी डिवीजन के, ये बिल्कुल जो है गलत है। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी के फादर आपको इसमें पूछे गए हैं। देखिए आप पेपर देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड हैं, फादर ऑफ दिस, फादर ऑफ दैट, या फिर फर्स्ट पर्सन, इसका फर्स्ट पर्सन, उसका फर्स्ट पर्सन,
और काफी सारी चीजों के साइंटिफिक नेम्स भी आप देख सकते हैं। साइंटिफिक नेम्स आपको दिए हुए हैं जिनको आपको कॉमन भाषा में बताने कि कॉमन भाषा में उनको क्या कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का पेपर जो है पूरा आया हुआ था। तो आप देख सकते हैं फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कौन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है इंडियन ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं एओ ह्यूम। बर्डिंग इन इंडिया, बर्ड्स की जो स्टडी है एक्चुअली वो जो ऑर्निथोलॉजी में स्टडी की जाती है। स्कॉटिश की अगर बात की जाए तो ये वहाँ के सिविल सर्वेंट रहे हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्मर रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने वाले ये व्यक्ति हैं। तो अगर कोई पूछे कि INC की फॉर्मेशन में मुख्य भूमिका फाउंडर कौन रहे, दैट इज एओ ह्यूम, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी इनको कहा जाता है। किसके द्वारा, सलीम अली द्वारा इनको ये कहा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सलीम अली शब्द कहाँ से आया, सलीम अली द्वारा इनको एओ ह्यूम को फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी कहा गया है। इसीलिए सलीम अली का नाम जो है ऑप्शंस में दिया गया है ताकि कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट किया जा सके। नहाने का साबुन, बजाज स्कूटर, चेरी ब्लॉसम जो जूता पॉलिश है, ये सभी जो विज्ञापन आप देखते हैं इनको तैयार करने वाले व्यक्ति बताने आपको, लीरिल बात सोप है, सर्फ डिटर्जेंट है, इसके पीछे के जो प्रसिद्ध विज्ञापन एजेंसी है उसके प्रमुख आपको बताने इनमें से कौन से व्यक्ति हैं, एलिक, एलिक पद्मसी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बड़े बड़े विज्ञापन इन्होंने दिए, 90 की एज में जाके जो है इनकी डेथ हो गई। इनको ब्रांड फादर, अब देखिए फिर से एक फादर यहां पे शब्द आ गया, फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है, ब्रांड फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग भी इनको कहा जाता है। काफी सारी चीजें इनके द्वारा की गई, सर्फ की लीरिल गर्ल है, चेरी चार्ली, चेरी ब्लॉसम है, शू पॉलिश है, हमारा बजाज, हमारा बजाज की एड बहुत आया करती थी पहले, MRF मसल मैन की, बहुत सारी इस तरह की एड्स जो हैं पॉपुलर एड्स हैं जो कि इनके द्वारा दी गई। विच क्रिकेटर मेड हिज टेस्ट डेब्यूट इन कराची एट द एज ऑफ 16 की उम्र में जो टेस्ट डेब्यूट कराची में किस क्रिकेटर द्वारा किया गया, सचिन तेंदुलकर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं 16 की एज में जो है इन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर, और वैसे देखा जाए तो 11 साल के थे जब इन्होंने अपना ऑल टाइम क्रिकेट को जो है अपना पूरा जीवन बना लिया था। डैश वाटरफॉल्स इन छत्तीसगढ़ आर ऑल्सो नोन एज नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया, कौन से वाटरफॉल्स को छत्तीसगढ़ के नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मगोड़, दूध सागर, चित्रकूट, हेबे, दैट इज चित्रकूट फॉल्स जो हैं ये नेचुरल फॉल्स हैं। बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का वहां पे ये नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाने जाते हैं, 29 मीटर की हाइट से ये गिरते हैं, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश, इधर से झारखंड टचिंग, ये पूरा छत्तीसगढ़ का आप देख सकते हैं, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश लैंडलॉक्ड है, ओके लैंडलॉक स्टेट है, और ये है बस्तर जहां पे चित्रकूट वाटरफॉल्स हैं जिसको नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। गिनीज विश्व रिकॉर्ड के अनुसार 2011 में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन सा था, जगन्नाथ टेम्पल, श्री पद्मनाभ मंदिर, गोल्डन टेम्पल या फिर तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल, किसको जो है सबसे अमीर टेम्पल इनमें से कौन सा था, तो दैट इज श्री पद्मनाभ मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये सबसे अमीर टेम्पल दर्ज किया गया था क्योंकि जो गोल्ड वगैरह यहाँ पे पाया गया था वो बहुत ही जो है असीम भंडार यहाँ पे पाया गया था। आप तस्वीर देख सकते हैं,
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ऑफ 2019-20 के अकॉर्डिंग एनुअल ईयर में रेट ऑफ इनकम टैक्स पेबल पे इंडियन नेशनल पे 80 वर्ष से ज्यादा वाले व्यक्तियों के लिए 5 लाख से अगर कम उनकी एनुअल इनकम है तो आपको बताना है कितना रेट ऑफ इनकम टैक्स है उनके ऊपर, तो कितना है वो 0%। कितना है 0%, यानी उनको किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स जो है नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टेबल देखिए एक बार, 5 लाख से कम अगर आपकी आय है तो कोई भी टैक्स नहीं है, और 23 करोड़ से ज्यादा टैक्स रिलीफ दिया गया है 3 करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को इसके तहत, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो की जाती है 50,000 से वो अब 40,000 से 50,000 बढ़ा दी गई है। TDS जो है उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।